दुनिया के सबसे घातक लड़ाकू विमानों में शुमार रफाल के आने से भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ गई है। रफाल का डर भारत के उन पड़ोसियों को भी परेशान कर रहा है जो भारत के खिलाफ साजिशें रचते रहते हैं। भारत के उसी अमोघ अस्त्र रफाल ने जोधपुर में अपनी ताकत दिखाई है। जोधपुर में भारत और फ्रांस के बीच जारी संयुक्त युद्धाभ्यास में रफाल लड़ाकू विमान ने अपनी ताकत दिखाई। इस युद्धाभ्यास में भारतीय पायलट्स ने भी दिखा दिया है कि रफाल पर उन्होंने किस तरह पूरी कमांड हासिल की है। कुल मिलाकर रफाल ने जोधपुर में जो ट्रेलर दिखाया उसके बाद दुश्मनों को ये समझ में आ जाना चाहिए कि रफाल पराक्रम के लिए पूरी तरह से तैयार है। जिसने एशिया के आसमान में भारत को बनाया सिकंदर, जिसकी गर्जना से कांपे भारत के सभी दुश्मन, जो आसमान में अजेय है, जो दुश्मनों का काल है, यह भारत के उस सबसे घातक लड़ाकू विमान रफाल के पराक्रम का ट्रेलर है। जोधपुर के आसमान में रफाल के ये करतब भारत के खिलाफ नापाक साजिश करने वालों के लिए एक बड़ी चुनौती है। रफाल का यह पराक्रम दुश्मनों को बताने के लिए काफी है कि फ्रांस से भारत को मिले रफाल विमानों पर अब भारत के वायुवीरों का पूरी तरह से नियंत्रण हो चुका है। ऐसे में किसी भी साजिश का अंजाम बहुत खतरनाक साबित होगा। भारत के रफाल लड़ाकू विमानों के साथ साथ सुखोई और मिराज जैसे फाइटर प्लेनों ने भी फ्रांस के साथ जोधपुर में जारी संयुक्त युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21 में हिस्सा लिया। इस युद्धाभ्यास में भारत के साथ साथ फ्रांस के रफाल लड़ाकू विमान भी शामिल थे। इंडियन एयरफोर्स और फ्रांसीसी वायुसेना के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास जोधपुर में जारी है। 5 दिवसीय युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21 में पहली बार देश के लिए रफाल लड़ाकू विमान गरज रहे हैं। युद्धाभ्यास के दौरान भारत और फ्रांस के लड़ाकू विमानों ने आपसी समझ और युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया है। भारत की तरफ से 4 रफाल लड़ाकू विमान युद्धाभ्यास में शामिल हुए हैं। इंडियन एयरफोर्स और फ्रांस की एयरफोर्स लगातार 2002 से आपस में एक्सरसाइज करती आ रही हैं, पर आज जो हम एक्सरसाइज देख रहे हैं ये है डेजर्ट नाइट 2021। रफाल लड़ाकू विमान भारत को फ्रांस से मिले हैं, लेकिन इन विमानों को उड़ाने वाले पायलट भारतीय हैं और जोधपुर में रफाल विमानों पर भारतीय पायलटों का नियंत्रण देखकर फ्रांसीसी वायुसेना भी दंग रह गई होगी कि भारतीय वायुवीरों ने फ्रांस के रफाल पर कितने शानदार तरीके से कमांड हासिल की है। हाल ही में जो रफाल एयरक्राफ्ट इंडक्ट हुआ है, हमारे पायलट्स ने इस रफाल को साथ में हमारे मिराज एयरक्राफ्ट, हमारे सुकोइस और फ्रांस की तरफ से उनके रफाल एयरक्राफ्ट जो हैं, इनमें जो हमने आपस में जो ट्रेनिंग करी है, इसमें हमने ये दर्शाया है कि किस तरह से हमारे भारतीय एयरफोर्स के जो पायलट हैं कितनी जल्दी इन्होंने इस एयरक्राफ्ट पे अडेप्ट किया है। फ्रेंच एयरफोर्स भी अपने साथ रफाल लड़ाकू विमानों को लेकर आई है। रफाल लड़ाकू विमानों के साथ फ्रेंच एयरफोर्स हवा से हवा में ईंधन भरने वाले मल्टीरोल एयरक्राफ्ट MRTT को भी लेकर आई है। जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे CDS जनरल विपिन रावत ने भी फ्रांसीसी वायुसेना के मेजर जनरल लॉरेंट लेबेट के साथ फ्रेंच MRTT पर एक उड़ान भरी। इंडियन एयरफोर्स ने भी फ्रांस के इस मल्टीरोल एयरक्राफ्ट के साथ युद्धाभ्यास किया। इनका जो एक एयरक्राफ्ट है MRTT, जो कि एक मल्टीरोल एयरक्राफ्ट है, इसमें आप पैसेंजर्स को भी ले जा सकते हैं, जिसमें आप रिफ्यूलिंग भी कर सकते हैं और जिसमें आप एक तरह का मेडिकल हॉस्पिटल भी बना सकते हैं मेडिकल इमरजेंसीज के लिए। तो इसकी काबिलियत भी हमने देखी और हमने देखा कि किस तरह से हमारे जो अपने रफाल थे, फ्रांस के एयरफोर्स के जो रफाल थे, हमारे सुकोइस, हमारे मिराज, किस तरह से इस एयरक्राफ्ट से रिफ्यूलिंग कर रहे थे, कितनी जल्दी एयरक्राफ्ट की रिफ्यूलिंग हो रही थी। लेकिन ख़ास बात देखने को ये मिली कि हमारे पायलट्स ने कितनी जल्दी से अपनी सक्षमता दिखाई है। फ्रांस और भारत के लड़ाकू विमानों ने आसमान में रिफ्यूलिंग का भी अभ्यास किया। आसमान में रिफ्यूलिंग करना इतना आसान काम नहीं। सुखोई और मिराज जैसे लड़ाकू विमान
लंबे वक्त से भारतीय वायुसेना का हिस्सा है, लेकिन रफाल अभी नया है। इसके बावजूद भारतीय पायलटों ने रफाल को भी आसमान में रिफ्यूल करने की दक्षता दिखाई। हमारे पायलट ने कर दिखाया कि हम लोग बहुत जल्दी अपनी ट्रेनिंग प्राप्त करके किसी भी क्रिया को अगर हमें करना पड़े उसमें हम बड़ी तेजी से अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। रफाल, शिनूक और अपाचे जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट आने के बाद भारतीय वायुसेना काफी मजबूत हो चुकी है। स्वदेशी तेजस भी वायुसेना में विमानों की कमी को पूरा कर रहा है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत वायुसेना के दक्ष पायलट हैं, जिनकी क्षमता का लोहा आज सारी दुनिया मान रही है। इस युद्धाभ्यास के जरिए भारत के वायुवीरों ने दिखा दिया है, तकनीक भले ही कितनी नई और आधुनिक हो, वो दुनिया की किसी भी सेना से कम नहीं है। इंडिया और फ्रांस के बीच में जो आज एक्सरसाइज हुई है, इसका महत्व ये रहा है कि हमारी जो एयरफोर्सेज हैं, अन्य दुनिया की जो अव्वल एयरफोर्स हैं, उनके साथ मिलजुल कर जो कार्रवाई करती हैं, हम भी उन्हें दर्शाते हैं कि हमारी एयरफोर्स दुनिया की किसी एयरफोर्स से कम नहीं है। जोधपुर के आसमान में 24 जनवरी तक रफाल के रण का ट्रेलर दिखाई देगा। फ्रांस के साथ भारत की रणनीतिक दोस्ती बहुत पुरानी है, लेकिन रफाल ने इस रिश्ते को और मजबूत कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुनिया के सबसे घातक लड़ाकू विमान रफाल का पराक्रम 26 जनवरी को भी देखने को मिलेगा। गणतंत्र दिवस पर पहली बार रफाल उड़ान भरेगा। गणतंत्र दिवस पर दुनिया देखेगी राफेल का दम। 26 जनवरी पर दिखेगा भारतीय वायुसेना के पराक्रम का ट्रेलर। जब विश्व के सबसे घातक 42 लड़ाकू विमानों की गर्जना से आसमान गूंज उठेगा। ये गर्जना एलएसी और एलओसी के उस पार भी सुनाई पड़ेगी। गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां जोरों पर है और इस बार सबसे खास बात है गणतंत्र दिवस पर राफेल का एयरपास्ट, जिसे देखने के लिए पूरा देश बेताब है। इस बार की परेड में वायुसेना के 38 एयरक्राफ्ट और 4 हेलीकॉप्टर भी अपना दम दिखाएंगे, जिनमें 15 फाइटर्स, 5 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 21 हेलीकॉप्टर का पराक्रम देश देखेगा। इस गणतंत्र दिवस पर जोश दोगुना है, क्योंकि राजपथ पर राफेल की पहली उड़ान तो होगी ही, साथ ही भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के 50 साल भी पूरे हुए हैं। इस बार अगर आप देखें तो फॉर्मेशंस काफ़ी सारे हैं, जिनमें कुछ कुछ फॉर्मेशंस पहली बार दिखेंगी। एक यूनिक फॉर्मेशन ये रहेगा, एक डकोटा विमान के साथ 2 हेलीकॉप्टर्स रहेंगे, ये एक अनोखा फॉर्मेशन होगा। इसके सिवाय हमारा जो रक्षक फॉर्मेशन है वो राजपथ पे पहली बार दिखेगा, जिसमें एक Mi-35 हेलीकॉप्टर और 4 अपाचे हेलीकॉप्टर्स होंगे। इस बार गणतंत्र दिवस की परेड की फॉर्मेशन में रुद्र, सुदर्शन, रक्षक, एकलव्य और ब्रह्मास्त्र को जगह दी गई है। फ्लाईपास्ट का पूरा कार्यक्रम 2 चरणों में पूरा किया जाएगा, जिसका पहला चरण सुबह 10:04 से लेकर 10:20 तक चलेगा। दूसरा चरण परेड के बाद 11:20 पर शुरू होगा और 11:45 तक चलेगा। गरुड़ा फॉर्मेशन, जिसमें एक C-17 विमान, 2 MiG-29 और 2 Su-30 होंगे, ये भी पहली बार राजपथ पे देखा जाएगा। एकलव्य फॉर्मेशन, जिसमें एक रफाल, 2 जगुआर और 2 MiG-29 है, ये भी पहली बार देखा जाएगा। और आपने जैसे ऑलरेडी कह दिया है, रफाल जो आएगा लास्ट में आके डायस के अभी माँ के जो वर्टिकल चाली मनूवर करेगा, वो भी राजपथ पे पहली बार देखा जाएगा। इस पूरे फ्लाईपास्ट में सबसे खास राफेल की उड़ान रहेगी, जो इस पूरे शो का शो स्टॉपर बनेगा। भारत ने पिछले साल ही 5 राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से खरीदे हैं और इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरी दुनिया दिल्ली से भारतीय वायुसेना का दम देखेगी। जाहिर सी बात है, जिस राफेल विमान को एशिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान माना जा रहा है, तो LAC से LOC तक कुछ ही सेकंडों में उस राफेल की पहुंच चीन और पाकिस्तान के होश उड़ाने के लिए काफी है। कृष्ण मोहन मिश्र, जी मीडिया। LOC पर पाकिस्तान नापाक हरकत करता आ रहा है और पाकिस्तान लड़ाकू विमान F-16 पर दम भरता है।
वहीं रफाल के आने से भारतीय वायुसेना की ताकत और ज्यादा बढ़ी है। आइए जानते हैं F-16 और रफाल में कौन कितना दमदार है। सात युद्ध कलाओं में माहिर राफेल फाइटर जेट को अफगानिस्तान, इराक और लीबिया में इस्तेमाल किया जा चुका है। राफेल ने इन इलाकों में आतंकी गुटों पर भयंकर तबाही मचाई है और राफेल का बस यही इतिहास आतंकियों के आकाओं और उन्हें पालने वालों की पेशानी पर बल ला रहा है। यानी जंग के हालात में राफेल चीन के अहम एयरबेस पर एक घंटे से कम वक्त में भी बमबारी करके बड़ी आसानी से वापस लौटाएगा। चीनी फाइटर जेट J-20 से तुलना आपने देखी, अब देखिए पाकिस्तान की क्या हालत है। पाकिस्तान चीन के JF-10 और अमेरिका के F-16 का इस्तेमाल करता है। F-16 पाकिस्तान के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान हैं, जिन पर उसे बहुत घमंड था, लेकिन राफेल के आने के बाद भारत और पाकिस्तान की शक्ति में अंतर बहुत बढ़ गया है। अब देखिए राफेल और F-16 का अंतर। राफेल 100 किलोमीटर के दायरे में 40 टारगेट का पता लगा सकता है, जबकि F-16 84 किलोमीटर के दायरे में 20 टारगेट का पता लगा सकता है। मिसाइल रेंज की बात करें तो राफेल के मीटियर मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है, जबकि F-16 फाइटर जेट के एमराम मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर है। वहीं राफेल स्कैल्प मिसाइल से भी लैस है, जिसका दायरा 300 किलोमीटर है। दोनों की रफ्तार की बात करें तो राफेल फाइटर जेट की रफ्तार 2222 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि F-16 फाइटर जेट की रफ्तार 2415 किलोमीटर प्रति घंटा है। राफेल फाइटर जेट जहां 15240 मीटर तक की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है, वहीं F-16 15235 मीटर तक की उड़ान भर सकता है। अभी तो 5 युद्धक वीर आए हैं। जब भारत के पास पूरे 36 ऐसे सूरमा होंगे तो कोई भी दुश्मन देश आंख उठाने की जरूरत नहीं कर पाएगा। यही कारण है कि राफेल के आगमन की खबरों ने ही पाकिस्तान और चीन की हवा टाइट कर दी थी। अब एक तरफ दुश्मन पानी भरेंगे तो दुनिया में भारत का परचम और ऊंचा लहराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।